बालाकोट एयर स्ट्राइक से बदला लेकर अपने जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि दी थी। आज पुलवामा हमले की बरसी है, एक बार फिर झारखंड के वीर सपूत विजय सोरेंग के बलिदान को सलाम है। निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। देश की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर देने वाले ये उन जाबाजों की तस्वीर है जिनका बस एक ही धर्म था, राष्ट्र धर्म। ये उन शहीदों की तस्वीर है जिनका बस एक ही नारा था। एक साल पहले देश के लिए कुर्बान हुए इन जाबाजों के परिवार के लिए वो दिन एक ऐसा काला दिन था जो वो कभी नहीं भूल पाएंगे। किसी के बूढ़े माँ बाप का सहारा छीना, किसी की जिंदगी की सारी खुशियां छिन गई, तो कहीं नन्हे बच्चों से पिता का साया इतनी कम उम्र में ही उठ गया। लेकिन अपने शहीद बेटों पर आज भी इन परिवार वालों को फक्र है। 14 फरवरी का दिन एक अंगारे की तरह सुलग रहा है। झारखंड के गुमला के रहने वाले सीआरपीएफ के जवान विजय सोरेन की शहादत को आज एक साल पूरा हो गया। 14 फरवरी 2019 ही वो काला दिन था जब पुलवामा में सीआरपीएफ के दल पर आतंकियों ने आत्मघाती हमला कर दिया था। शहादत को एक साल बीतने के बाद भी आज भी शहीद विजय सोरेन के परिवार की आंखें नम हैं। शहीद विजय सोरेन की पत्नी को अपने पति की शहादत पर गर्व है। आजकल तो कोई लेडीज भी बहुत आगे बढ़ चुकी है, इसलिए मैं भी जा सकती हूँ बॉर्डर में लड़ना। जाना चाहती हैं बॉर्डर में लड़ने? कहे नहीं जाऊंगे बॉर्डर में लड़ाई करने के लिए। और क्या करेंगे, बदला लेंगे? बदला लेंगे मेरा पति का, एक एक चुन चुन कर बदला लेंगे। शान तेरी कभी कम न हो वतन। सिमडेगा में पुलवामा हमले के शहीद विजय सोरेन को आज जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोचडेगा में श्रद्धांजलि दी गई। कोचडेगा स्थित उनके आवास पर एसडीओ बीडीओ सहित अन्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय युवा शक्ति ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर पुलवामा हमले में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राष्ट्रीय युवा शक्ति के सदस्य अल्बर्ट एक्का चौक पर दिन भर उपवास पर बैठे। सभी राष्ट्रीय युवा शक्ति के साथी लोग, हम लोग ये तय किए कि 22 बार 14 फरवरी को उन वीर शहीदों को हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और वीर शहीद परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक पर हम लोग एक दिवसीय उपवास पर बैठेंगे। पुलवामा में दहशत की वो तस्वीरें आज भी नासूर की तरह हैं जिसने हर किसी को रुला दिया था।